नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा फाइट द बाइट अभियान चलाया जा रहा है। किसी अभियान के तहत रविवार को ड्राई डे मनाने का आह्वान भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप रविवार को पूरे भिलाई शहर ने ड्राई डे मनाया। इसमें निगम के अधिकारी कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपने घरों के कूलर के गंदे पानी को साफ किया और पूरे घर भर में जहां जहां वर्षा का पानी एकत्र हो रहा था उसे भी खाली करके सुखाया, जिससे डेंगू मलेरिया मच्छर के लार्वा पनपने ना पाए और शहर डेंगू मलेरिया सहित अन्य जल जनित बीमारियों से मुक्त हो सके। निगम के द्वारा आम जनमानस से की गई अपील का सार्थक असर देखने को मिला। निगम ने इस अभियान के तहत एक प्रतियोगिता भी जारी की है, जिसमें जो व्यक्ति अपने घर के अलावा अन्य लोगों के घरों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान देगा उसे सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, मैं नीरज पाल भिलाई नगर निगम क्षेत्र की समस्त जनता से, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में के अंतर्गत रहने वाले सभी निवासियों से ये अपील करता हूँ कि बरसात आने वाली जो बरसात है इसको ध्यान में रखकर बरसात में होने वाली जो बीमारियां हैं जैसे डायरिया, पीलिया और मच्छरों से होने वाली जो बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हम लोगों को मिलकर एक अभियान चलाने की जरूरत है, जिसे जिला प्रशासन ने फाइट द वाइट अभियान का नाम दिया है। मेरी आप सब से अपील है, आप सभी निवासियों से ये विनम्र आग्रह है कि हर रविवार को सुबह 10 से 11 बजे तक इस अभियान में हमारा साथ दें, नगर निगम के स्वास्थ्य अमले का साथ दें और अपने अपने कॉलोनियों का, अपने मोहल्लों का दवा छिड़काव करके, सफाई में साथ दे करके इन रोगों से, इन आने वाली जो बीमारियां हैं उससे हम अपने शहर को बचा सके। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहां पानी जमा होता है जैसे कूलर, पानी की टंकियां, पुराने टायर, गमले इत्यादि, ऐसी जो जगह है जहां पर पानी रुकता है उसका भी हम ध्यान रखें, पानी खड़ा ना होने दें। जहां पर भी इस तरह के पानी इकट्ठा होता है वहां पे जले हुए ऑयल का छिड़काव नगर निगम के माध्यम से होता है। हमको आप सूचित करें, जहां पानी खड़ा हो रहा है आप स्वयं भी अपने घरों के कूलर का पानी सुखा कर रखें। हम इसे अभियान को सब अगर मिलकर सफलतापूर्वक इस बरसात के मौसम में अगर इसको चला पाएंगे तो निश्चित ही हम अपने शहर को एक बार फिर से स्वस्थ और साफ बना पाएंगे। मेरी आप सबसे अपील है कि इस अभियान में फाइट द वाइट, इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मेरी इसी अपील के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब पूरे शहर के लोग अपने अपने तरीके से जितना सहयोग इसमें हो सकता है भरपूर सहयोग दें ताकि हम अपने शहर को सुंदर और स्वस्थ बना सकें। धन्यवाद। नगर निगम सभी नगरवासियों से अपील करता है कि मौसमी बीमारियों के समय जो डेंगू मलेरिया इत्यादि जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं, इसके बचाव के लिए विशेषकर अपने मकानों के कूलर जो कूलर लगे हुए हैं उसके पानी को सुखाकर साफ करके उसमें पानी भरें। कहीं टायर है, छतों में टायर है, उसमें अगर पानी है तो उसको साफ कर दें। इस तरीके से ड्राई डे वो मनाएं तो इससे मौसमी बीमारियों का बचाव हो सकेगा। कहीं जमा हुआ पानी है उसमें मोबाइल ऑयल है इसका छिड़काव करें, शुद्ध पानी पिए और यदि पानी उबाल के पिए तो ज़्यादा अच्छा है। इस मौसम में, बरसात के मौसम में पानी उबाल के पिएंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और इससे बचाव रहेगा। तो सभी से अपील है और ख़ासतौर पे अपने निगम के अधिकारी और कर्मचारियों से भी अपील है कि रविवार का दिन ड्राई डे के रूप में अपनाएं। 10 से 11 बजे तक वो ड्राई डे करें। ड्राई डे के अंतर्गत इसका अर्थ यह है कि हम डेंगू से बचाव के लिए काम करेंगे। डेंगू से बचाव के लिए जो कूलर में पानी जमा हो जाता है उसमें से मच्छर होते हैं तो उस दिन वो साफ कर लें। साफ करने के बाद उसमें टेमीफॉस नगर निगम दे रही है, उस टेमीफॉस को उसका उपयोग कर लें और उसमें साफ पानी भरें। कहीं गमला है, कहीं मवेशियों के लिए पानी पिलाने के लिए उन्होंने रखा हुआ है उसको साफ कर लें और उसका उपयोग अभी फिलहाल ना ही करें क्योंकि बरसात है, बरसात में मवेशी तो अभी आएंगे नहीं लेकिन पानी उसमें जमा हो जाएगा तो उसमें मच्छर की पनपने की संभावना होगी। तो सभी से अपील है कि ड्राई डे अपनाएं
और मौसमी बीमारियों से अपना बचाव करें। जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा फाइट द बाइट यानि बारिश के दिनों में जो जीव जंतु, जो कीड़े मकोड़े जो बहुत ज़्यादा पनपते हैं, जिसके कारण डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, दस्त, अनेकों बीमारियां फैलती है, जिसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने पूरा जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन द्वारा रविवार के एक दिन हम भी सब साथ मिलकर, हम भी पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ, सभी अपने घरों कूलर, गमले एवं आसपास जितने भी पानी जमे हुए हैं उसको साफ करें और सब मिलकर काम करें, इससे लड़ें और ताकि बीमारियां हमसे दूर भागें और बीमारियां किसी को हो ना सके, पूरे भिलाई के हम लोग सब सुरक्षित रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद।